उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे के जख्म अभी भी नहीं भर पाए हैं। आजादी के बाद भारतीय रेल के इतिहास में सबसे बड़े हादसों में से एक कोरोमंडल एक्सप्रेस रेल दुर्घटना में सैकड़ों ने अपनी जान गंवा दी। एक पल में लोगों ने अपनों को खो दिया। अभी भी कई लोग प्रियजनों के शवों के आस में भटक रहे हैं। ऐसी ही एक दुख भरी कहानी बिहार के युवक की है। तकरीबन 2 हफ्ते बाद उसे अपने लापता भाई का शव मिला। इसके लिए उसे तकरीबन 3000 किलोमीटर तक भटकना पड़ा। हुआ यूं कि उसके भाई का शव गलती से पश्चिम बंगाल में किसी दूसरे परिवार के पास चला गया था। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी ब्लॉक के अंतर्गत लखरौ गांव का रहने वाला 22 साल का राजा उन अभागों में से एक था जो दुर्घटना के दिन 2 जून को चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार था। हादसे के बाद से ही राजा का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। राजा के भाई सुभाष के मुताबिक हादसे वाले दिन शाम 4 बजे उसकी अपने भाई से बात हुई थी। हादसे की खबर सुनते ही सुभाष और उसके परिवार के पैरों तली जमीन खिसक गई। सुभाष अपनी माँ लीलावती देवी और गांव के 8 लोगों के साथ एक गाड़ी किराए पर लेकर बालासोर के लिए निकल पड़ा था। सुभाष आगे बताते हैं, हमने लगभग 3 दिनों तक विभिन्न अस्पतालों में राजा की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। फिर हमने घर लौटने का फैसला किया क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे। इसके बाद हमने पटना में बिहार सरकार के हेल्प डेस्क को सूचित किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। सुभाष एक बार फिर अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ उड़ीसा गया। इस बार वो भुवनेश्वर गया, जहां उन्हें पता चला कि कई शव एम्स में रखे गए हैं। यहीं पर सुभाष को कुछ ऐसा दिखा जिसने उन्हें थोड़ी राहत दी। सुभाष बताते हैं, एक LED स्क्रीन पर मृतकों की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। इसमें मैंने राजा को पहचान लिया, जिसके बाएं हाथ में एक टैटू था। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम बंगाल के किसी व्यक्ति ने पहले ही शव पर दावा किया था, इसलिए शव पश्चिम बंगाल भेजा जा चुका है। सुभाष का कहना है कि राजा के हाथ पर एक टैटू था। पुलिस को सारी बातें बताई गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आखिर में पुलिस की सलाह पर मार्क ने DNA टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिया। सुभाष का कहना है कि पश्चिम बंगाल के परिवार ने बालासोर पुलिस को यह बताया था कि जो शव मिला उसके हाथ पर भी टैटू बना हुआ था, लेकिन सैंपल मैच करने से पहले ही राजा के शव के पैंट में मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हो गई, और आधार कार्ड की वजह से राजा का शव उसके परिवार को वापस मिल गया।